ओम शांति। आज का वरदान है श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। आइए वरदान का गहराई से अभ्यास करें, चिंतन करें। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। ईश्वरीय कार्य में मददगार आत्मा। बाबा ने मुझे विश्व सेवा के लिए चुना है। बिछड़ी हुई आत्माओं को संदेश देना मेरा कर्तव्य है। मैं आत्मा सदा ही मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में तत्पर रहती हूँ। बिछड़ी हुई आत्माओं को भगवान से मिला देना मुझे इस कार्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आत्मा सदा ही अपनी मनसा शक्ति से आत्माओं का आह्वान करती हूं। और सुख शांति का दान देती हूं। और वाचा द्वारा यथासंभव सेवा करती हूँ। कर्मणा द्वारा गुणों का दान देती हूँ। मैं आत्मा अखंड महादानी हूँ। मैं अपना फर्ज पूरा दिल से ईश्वरीय सेवा अमानत है, वरदान है, ये समझ के करती हूँ। मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। मुझे कभी ये संकल्प नहीं आता कि मैंने तो इतनी सेवा की, इतनी आत्माओं को पैगाम दिया, कोई भी नहीं आया। नहीं, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। आगे आत्माओं का भाग्य अपना है।
मैंने तो श्रीमद् प्रमाण कार्य किया, आगे से आत्माओं का भाग्य जो ड्रामा में निश्चित है वही होगा। मैंने तो ईश्वरीय श्रीमद् प्रमाण 20 नाखूनों का जोर देकर अपना फर्ज पूरा किया है। इसलिए मैं आत्मा सदा संतुष्ट रहती हूं। जिसको अपना भाग्य बनाना है वो बाबा के पास स्वयं ही आ जाएगा, उसको स्वयं ही तीर लग जाएगा। बाबा जाने, आत्माओं का भाग्य जाने, मैं तो निश्चिंत हूं। बाबा तो मुझे सदा ईश्वरीय सेवा में यूज कर रहे हैं। मेरा संकल्प, मेरा श्वास, मेरा तन मन ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। मैं सदा ही सफलता मूर्त आत्मा हूं, क्योंकि मैं ईश्वरीय छत्र छाया में पल रही हूं। मेरे जीवन का जवाबदार भगवान है। ओम शांति।